आज मैं बनाऊंगी केले की कचौड़ियाँ, जो बच्चे और बड़ों सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होगी। तो चलिए इस डिश को बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने एक केला लिया है, एक केले के साथ मैंने एक कप आटा लिया है, शुगर लिया है और हाफ कप मिल्क लिया है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर केले से हो गया तो हम उससे ही इसका डो बनाएंगे। इसे हम मैश कर लेंगे। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी झटपट से तैयार होने वाली कचौड़ियाँ हैं। इसमें केले पके हुए हैं तो और भी अच्छी बात है, और ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है और उन्हें पसंद भी बहुत आएंगी। मेरे बेटे को भी को ये डिश बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे बना के 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होती हैं। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, कम पसंद है तो कम। अभी हम इसको इस केले से ही इसका डो बनाएंगे। लोई में मैंने घी लगा दिया है ताकि इसको बेलने में कोई भी दिक्कत ना हो और ये आसानी से बेल जाए। अब इसे हम कटोरी या गिलास से इसे कट कर लेंगे। और इसकी लोइयां हम बनाकर रख लेंगे इसी तरह और फिर इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने केले की कचौड़ियों का डो बनाकर उसकी कचौड़ियों को मैंने बेल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इन्हें हम नॉर्मल फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रही है ना। अब इसी तरह से हम पूरी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तैयार हो गई केले की कचौड़ियाँ, एकदम सी मस्त लग रही है ना। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। इसे एक बार अपने बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर से देखिएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी। ओके, बाय बाय।